गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मैं आपको बताऊं कि मैंने सिवानी के ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी चेंजेस करे हैं। मैंने उसके लिए ब्लूबेरी पैनकेक मंगाया है स्लॉट का, तो मैं पैनकेक दे रही हूँ अभी। फिर मैं जब लंच करूँगी तभी मेरे साथ खाना खाएगी, बट अभी के लिए मैं उसको सिर्फ पैनकेक दे रही हूँ जो मिलेट का है। सो गाइस, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको मेरे ब्रशेज लेके बजा रही है, या इसको याद है कि मैं ये काम करना है, इसलिए आज मेरी ब्रशेज यहाँ से निकाल के दोबारा वही काम। हेलो जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक फ्रॉम माय साइड। भाई बिल्कुल लेट शाम को 8:30 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह से ऑफिस में था। ऑफिस से आया, आते ही शिवाना भी सो रही थी तो मैंने भी नैप ले ली, और फिर अब हम लोग फिर शिवाना को मैं ले गया पार्क। पार्क ले जाने के बाद आपको सामने पलटन दिख रही होगी, कोमल विशाल गोलू। पलटन जा रही ही है आज नोएडा, जो कि हम बहुत टाइम से नहीं गए हैं, जो कि मैंने बताया था हम सब लोगों को पसंद है वो मार्केट। वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे बहुत सारी वैरायटीज है खाने पीने की, तो आज वहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। कोमल रुकने आई हुई अपनी मम्मी के यहाँ पे, इसलिए प्लान बन गया। तो गोलू विशाल भी आ गए हैं, विशाल ही आ रही है बस। मैं तो नीचे था, शिवाना को पार्क में घुमा रहा था, तो बस अब मैं इन लोगों को बिठाऊंगा और हम निकल जाएंगे नोएडा की तरफ। तो देखते रहिए हमारे इस व्लॉग को। सो गाइस, याद है मैंने कल व्लॉग एंड करके कहा था कि शायद हम नोएडा मार्केट जाएंगे। हैपनिंग, हम कोमल की शादी से पहले मेरे ख्याल जनवरी में गए हुए हैं लास्ट, और आज हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी से हो रही है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन। ओहो, रौनके हैं, रौनके रौनके लगी हुई हैं। ये क्या है? ओ सामान जंदा रहा पोत। कौन है चाचू? तो जी आते ही खाने के ऊपर ऐसे टूट के पड़े सब लोग, और अब सिवाने के लिए जरा कुछ खरीद रहे हैं। भाई ये ले लिए सिवाने के लिए न्यू क्रॉक, और एक और अभी लिए हैं सैंडल, वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी अब विशाली देख रही है कुछ। तो नोएडा मार्केट के बाद हम आ गए थे अपने एरिया में, और यहाँ पे हमें जो हमारा फेवरेट आइसक्रीम जॉइंट है, यहाँ पे बहुत ही मस्त आइसक्रीम है मिलती है, बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं इन पे, तो हम यहाँ पे आके खा रहे थे। बता तेरे प्यार में क्यों पड़ती है लड़कियाँ? चल क्यों, शिवाना का अलग ही चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हो नीचे नीचे जाए जा रही है। हाय दिया, लेट घर आ रहेंगे तो बच्चे की कपड़ों की यही हालत है। उसका पजामा सारा गीला हो गया था, और देखो जरा लाइट से कितनी फैसिनेट हो रही है। जाओ भाई जाओ, अब घर जाओ, टाइम बहुत हो गया। हाँ गाइज, हम लोग स्नैपचैट डाउनलोड कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे तूफान आ चुका है, और आज हमने मार्केट से सजाने के लिए शूज लिए थे, जो कि मैंने अंदर रख दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको करने दो, यहाँ पे चक्कर दिए। आना लेट आती है या कुछ आती है तो बाहर तो वो छुटपुट, मतलब हम ना ज़्यादा देते हैं ना वो ज़्यादा खाती है, तो मैं घर आके मेक श्योर करती हूँ कि वो खाना खा के ही सोए। तो मैं ऐसे मैंने कि एक रोटी और जो दाल मैं बना के गई थी, तो वो दाल के साथ थोड़ा सा दही, एंड दिस विल बी गोइंग टू बी हर डिनर। ओके गाइस, तो आके मुझे बहुत काम था, पालक आई हुई थी तो पालक धोना थी, क्योंकि कल बनेगा पालक पनीर, तो फिर एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है, तो मैंने पालक धो के उबाल के पीस के रख दिया है, तो मैं यही सारा काम आती फिनिश कर रही थी। गाइस साहब, हदें पार हो चुकी हैं, प्लास्टर सारा छील दिया बच्चे ने, देखो जरा, और हटने का नाम नहीं ले रहा है, सारा प्लास्टर छील दिया भाई, वो भी स्केच पेन से। गाइस यहाँ बिस्तर हमने उठा के बस रखे हैं, और इसको यहाँ से धड़ा मुंह करके स्लाइड कर रही है नीचे गिर रही है, तो मजा आ रहा है। स्लाइड करके दिखाओ मम्मा को, स्लाइड कर दो, स्लाइड 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 स्लाइड, बेटा इधर से नहीं, स्लाइड करो। हाँ जी, और डाडा बस प्यार आ गया, अपनी मर्जी का प्यार है ये, झूले झूला रही है डाडा को। ओ शिवानु, शिवानु नो, थैंक यू, स्लाइड कर दो, स्लाइड 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 स्लाइड, ओह प्लीज,
प्लीज ओ प्लीज नहीं करी आपने अच्छे से। बताया था ये आपने वहां झलक देखी थी कि हम सिवाना के लिए क्रॉक्स देख रहे थे, हम स्पेशली तो नहीं लेने गए थे बट वहां पे दिख गए तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। 200 का एक पेयर था, एक तो सैंडल से फ्लोटर टाइप लिए, मेरे मन तो नहीं था बट हनी कह रहा था पार्क में ना बहुत गंदे हो जाते हैं लाइट कलर के क्रॉक्स वगैरह, और कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो स्लिप व्लिप ना हो, तो ऐसा ले ले कुछ रफ एंड टफ। तो एक वहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ऐसे एक लोकल से आप कह लो हमने शूज़ ले लिए, फ्लोटर्स लिए सिवाना के लिए। अभी दिखाती हूँ लिए हैं सिवाना के लिए, मुझे सच में मन तो नहीं कर रहा सिवाना को पहनाने का क्योंकि ना ये मेरी चॉइस नहीं है, बट एनीवेज पार्क में ये बहुत बुरा हाल करके आती है कप चीज़ों का, ये मैं जानती हूँ। तो अगर ये उसके लिए ठीक है क्योंकि बाप लेके जाता है पार्क तो बाप ने सही डिसीजन लिया होगा, तो ये पार्क के लिए हमने मेन लिया है। और बाकी ये हमने फ्रॉक और ऐसे क्यूट व्यूट घूमने वूमने के लिए तो ये हमने ये लिए थे 200 रुपीज़ ईच। गाइस तो सिवानू को तो मुझे लग नहीं रहा कोई नींद नहीं है, ऑल रॉन्ग मौसम के सर पे कूद गए कुछ और लग जाती है बच्चे, आपको पता नहीं है भैया को हुई होती है। जवानू आष्टी को सॉरी बोलो, देखो 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 अपने बच्चे की तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ आपको। रेस्टलेस पता नहीं कैसे 2:30 बज गए भाई, पता ये बालों को क्या हो रहा है? अरे यार मेरे बाल ना ऐसी क्लासी सी लुक में आजकल। ओके गाइस टाइम टू साइन आउट, सी यू टुमारो। सुनो बाय बाय कर दो।